हे गाइस, छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए दोस्तों बम्पर वैकेंसी आई है, जिसमें दोस्तों लगभग हजारों के पदों की संख्या में, उससे भी पार के पदों की संख्या में भर्तियां होने वाली है। तो ये कब होगी, कैसी होगी, कैसे होगी और क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, आप जान करके बहुत ही खुश हो जाएंगे। 12वीं पास रखा गया है। तो चलिए देख पा रहे हैं कि दोस्तों 880 पदों के लिए, मतलब 900 पदों के लिए दोस्तों फॉर्म भरने इतने की दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग के मंडल को दोस्तों यहां पर भेजनी बड़ी चिट्ठी। पीयून चौकीदार दोस्तों यहां पर पहली बार जो 7 लाख आवेदन आए थे, पीयून चौकीदार और स्पीकर की भर्ती के लिए दोस्तों अब व्यापम देखिए यहाँ पर परीक्षा। प्रदेश में दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ वृंद चौकीदार और स्वीपर की दोस्तों भर्ती की परीक्षा जो है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कुछ महीने पहले दोस्तों आवेदन मंगाए गए थे। इनमें दोस्तों 7 लाख से भी अधिक फॉर्म गए थे, ठीक है। और वहीं साथ ही साथ अगर बताएं दोस्तों यहाँ पे, तो अब दोस्तों पीयून चौकीदार चपरासी की भर्ती के लिए दोस्तों जो परीक्षाएं होंगी, इसमें दोस्तों यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं कि दोस्तों छत्तीसगढ़ जो व्यापम है उन्होंने दोस्तों आयोजित जो परीक्षा है उसमें थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि इसके लिए दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा गया है। और इसे लेकर के दोस्तों पहले व्यापम और पीएससी में हुए विभिन्न भर्ती की परीक्षाओं के लिए दोस्तों 2.5 से 3 लाख तक के आवेदन आते थे, लेकिन 11 तक का रिकॉर्ड बना हुआ है। वही साथ साथ यहाँ पर देख ले पा रहे हैं आप लोग कि राज्य में दोस्तों पिछले वह इस साल में जो भर्तियां हुई हैं उनके आंकड़े यहाँ पर देकर के रखी हुई हैं। वही भर्ती के लिए दोस्तों व्यापम जल्द जारी करेगा तारीख। अब ये कौन सी है, इसी की बात कर रहा था मैं। जानकारी के मुताबिक दोस्तों हाई स्कूल या उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दोस्तों यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक, वृंत और चौकीदार स्वीपर के लिए दोस्तों कुछ महीने पहले वैकेंसियाँ निकाली गई थी और इसके तहत दोस्तों कुल 880 पदों पर दोस्तों भर्ती होंगी। और इनमें प्रयोगशाला परिचारक की सबसे ज़्यादा, मतलब 430 पद हैं। और वहीं दोस्तों इसी तरह दोस्तों वृंत के लिए दोस्तों 210 पद हैं और चौकीदार के लिए 210 और स्वीपर के लिए 30 पद यहां पर शामिल हैं। भर्ती के लिए दोस्तों व्यापमनी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इसके लिए तारीख दोस्तों जल्द घोषित होगा। तो आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा होगा तो भर दीजिए जाकर के फटाफट से। और साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षा जो होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो परीक्षा होगी वो 100 नंबर की यहाँ पर परीक्षा होगी, है ना। और ये दोस्तों अंकों के लिए दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। इसमें कुल दोस्तों 100 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के लिखित प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले होंगे, एमसीक्यू टाइप्स के, ठीक है। 2 घंटे का आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा इन पेपर की अगर परीक्षा होगी, अगर इन सब की तब, ठीक है। और यहीं इसमें देश में दोस्तों संबंधित सामान्य ज्ञान से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, पंचायती राज। वही दोस्तों दूसरी ओर प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती के लिए दोस्तों यहाँ पर 100 अंकों की परीक्षा होगी। हालांकि इसमें दोस्तों 2 भाग होंगे, भाग एक जो कि 9वीं से 10वीं के आधार पर होगी, विज्ञान के बेस पे, और वहीं ये 60 अंक के होंगे, 60 सवाल पूछे जाएंगे। वही भाग दो में दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक के 40 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें भारत और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पर दोस्तों आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक के लिए दोस्तों 12वीं पास यहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे शुरू से देखते हैं कि जानकारी के कहना दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग की इस भर्ती के लिए दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दो है 5वीं से लेकर के 12वीं पास थी। वही प्रयोगशाला परिचालक की दोस्तों 12वीं पास थी और अन्य 3 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर 5वीं होना यहाँ पर जरूरी था, इसलिए दोस्तों बड़ी आवेदन मिले थे। आगे चलें दोस्तों, तो इनके बारे में हमने तो सारी जानकारी बता दिया। अब परीक्षा जब होगी तो आप सबको हमारे इसी चैनल पर वीडियो आएगा, उसके माध्यम से पता चल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के दोस्तों 2150 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो जल्द जारी होगी भर्ती की जो है आदेश। साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग ने दोस्तों कॉलेजों में शैक्षणिक पदों की भर्ती की जो है जोरों शोरों से तैयारी चालू कर दी है, जहाँ पर 2150 पदों पर दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भर्ती ली जानी है, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने बताया कि दोस्तों तैयारी पूरी कर ली गई है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोजल पीएससी को भेजा जाएगा, मतलब जो है एक संदेश भेजा जाएगा। और इस संबंध में जानकारी के दोस्तों अनुसार कॉलेजों में बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर समेत दोस्तों अन्य रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी और नई सरकार उसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। महाविद्यालय में दोस्तों लगभग 4200 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, तो 4200 पदों में, और अभी तक तो 2100 पदों की यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात सामने आ रही है। जुलाई में यहाँ पर देख पा रहे हैं सेट की यहाँ पर परीक्षा जो होगी आयोजन होगी। उच्च शिक्षा विभाग के दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए दोस्तों तैयारी में जुटे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों जुलाई माह में सेट कराए जाने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के चर्चा में दोस्तों कहा गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों स्तर की तैयारी जो है चल रही है।
वहीं आगे चलें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हर माह दोस्तों 15 से 20 हो रहे हैं यहाँ पर सेवाकृत। पिछले 5 सालों में दोस्तों प्रदेश में बड़ी संख्या में कॉलेज खुले हैं जहाँ पर लेकर के प्राचार्य या प्रोफेसर के रिक्त पद भरे जा रहे हैं डे टू डे। यहाँ पे हर महीने दोस्तों 15 से 20 पद रिटायरमेंट के कारण से रिक्त होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी जानकारी थी, मैंने सारी जानकारी बता दी है। सारे अपडेट्स हमारे चैनल पर आएंगे आने वाले अपकमिंग अपडेट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।